भारतीय क्रिकेट टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले का नतीजा भी सामने नहीं आया था और टीम इंडिया को खुशखबरी मिल गई। हालांकि टेस्ट कुछ देर बाद ड्रॉ हो गया। रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। अब कई फैंस के मन में सवाल उठ रहे हैं कि अहमदाबाद टेस्ट में नतीजे के बगैर भारत फाइनल में कैसे पहुंच गया। आखिर टीम इंडिया के लिए समीकरण क्या थे। दरअसल भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती दो टेस्ट मैच को जीतकर फाइनल में पहुंचने के करीब थी। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर में खेले गए तीसरे टेस्ट में जीत हासिल कर ली और यहां से समीकरण में हो गया बदलाव। इंदौर में मिली जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंक तालिका में 68% अंक हो गए थे। हार के बाद टीम इंडिया के 60% अंक हो गए थे। एक तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट अहमदाबाद में खेला ही जा रहा था तो दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को हरा दिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने भारत के समीकरण को आसान कर दिया और फाइनल का टिकट दिला दिया। समीकरण के मुताबिक श्रीलंका की टीम एक टेस्ट हारने के बाद ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। ऐसे में फिर अहमदाबाद टेस्ट भारत जीतता हारता या ड्रॉ होता इससे मतलब नहीं था। इसके अलावा न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच होने वाले अगले टेस्ट मैच से भी अब समीकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय क्रिकेट टीम दूसरी बार लगातार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। पिछली बार 2021 में भारत को न्यूजीलैंड ने फाइनल में हरा दिया था। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। दोनों टीमें इंग्लैंड के ओवल मैदान में 7 से 11 जून तक फाइनल मैच में आमने सामने होंगी।